हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, बने रहो मेरे इस ब्लॉग में। घूमने चल रहे हैं आज मनोना धाम, आप भी चलो हमारे साथ, ठीक है? चलो लो मम्मी, इनको भी लेकर चलो। दादी अम्मा चश्मा लगा लें पहले। आज मैं जिस मंदिर में जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा चमत्कारी मंदिर है, तो आप सब बने रहे मेरे वीडियो में, शुरू से एंड तक देखें। मैं मंदिर की जो जो चीज़ देखूँगी वो सब आप लोगों को दिखाऊँगी। और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से, और मैं इस मंदिर के बारे में जो भी जानकारी लेती हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। पहली बार ही जा रही हूँ मैं मंदिर, और मेरे हस्बैंड मेरे भाई लोग पहले जा चुके हैं मंदिर में। और यहाँ से ही एक बड़ा सा गेट बनने वाला है, अभी कच्चा सा गेट था लेकिन वो बनना है, बहुत बड़ा बनना है। जैसे खाटू श्याम मंदिर में पहले बना हुआ है सेम वैसा ही एक गेट बनना है यहाँ पर, अभी कच्चा है, रोड भी अभी कच्ची है। और देखिए आप, सामने बोर्ड लगा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है बरेली से, मनोना में ये गांव है, ये मनोना, यहाँ अभी मनोना धाम के नाम से जाना जाता है। रोड ये कच्ची है, सुना जा रहा है कि ये रोड को भी पक्का कराया जाएगा। और ये मंदिर बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, आप इसे गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आ गए हैं हम सब मनोना धाम। 1.5 घंटे का समय लगा हमें अपने घर से। यहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और यहीं से अब प्रसाद लेंगे, उसके बाद जाएंगे मंदिर की तरफ। आज यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, नहीं तो ये लाइन बिल्कुल भर के चलती है। यहाँ पर खड़े होने हिलने की भी जगह, लेकिन धूप बहुत तेज है और हम लोगों ने स्लीपर नहीं पहन रखे हैं, तो बहुत गर्म लग रही है ये जमीन। और यहाँ पर काम भी चल रहा है। हाँ ये सही है, यहाँ पर लाइन बनाने की, पूरे में उड़सा के बांस के बल्ले लगे हुए हैं। यहाँ पर खेत है, खेत इधर खेत है। ये किसकी स्लीवर पड़ी है? पहन मत लेना, हम लोगों ने किसी ने भी स्लीपर नहीं पहन रखे हैं। काफी दूर है ये, यहाँ से पैदल चल के जाने का। सांप सीढ़ी की तरह बनी हुई है ये लाइनें, देखो यहाँ से हम घूम जाएंगे ये ऐसे, देखो ये लोग उधर से पहुंच गए। फाइनली हम लोग टंडी वाले रास्ता क्रॉस कराए। और अरे अरे भैया, मन्नत वाला धागा है ही। हाँ जान दो, कम दे पानी पी जाना। जिन्हें मंदिर निर्माण में दान देना है वो दान दे सकते हैं, दान की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय मंदिर महाराज। चलो इनके जो दोस्त थे उन्होंने अर्जी लगाई है यहाँ पर, आपने देखा था वहाँ पर जो रसीद कट रही थी उसे अर्जी बोलते हैं, और वो मंदिर में लगाई जाती है। यही वो जगह है जहाँ पर ओमिंद्र जी बैठकर अपने चमत्कार करते हैं, और बाबा श्याम के यहाँ से सब लोग दर्शन कर लीजिए। यही वो जगह है जो हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ। ऐसी वहाँ पर भी खाटू श्याम मंदिर में बड़ा सा कुंड है, क्यों ना पकड़ो इन्हें। मैंने भी एक मन्नत का धागा बांध दिया है, मैंने क्या मन्नत मांगी है ये तो मैं सबके साथ अभी शेयर नहीं करूँगी। सामने जो जगह दिख रही है वहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर बनना है, अभी बन गया है लेकिन अभी उसमें प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है। जोर से बोलो, जोर से और तेज, जोर से। हाँ जोर से। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
हमारे दर्शन मनोना धाम के और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। अगर तो भीड़ नहीं थी तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं हम लोगों के। धूप तो आप देख ही सकते हो बहुत तेज है। ये रहा मनोना धाम। चंदन तो ले लिया हमने, चंदन ले लो। और वो हैं गुरुदेव उमेंद्र चौहान जी, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। ये भैया के देखो लड्डू गोपाल प्यारे से राधे राधे। ये मनोना धाम पे ये इनके भैया की शॉप है और यहाँ बहुत अच्छा आइटम है और लड्डू गोपाल जी का तो सारा ही सामान है यहाँ पर। अगर आप लोग आए यहाँ तो बिल्कुल सामने है, देखो ये मनोना धाम है बिल्कुल पास, और बिल्कुल पास में ही इनकी दुकान है भैया की, सब आइटम मिल जाता है यहाँ। हम लोगों ने दर्शन कर लिए और हमारे कन्हैया जी तैयार हो गए हैं बिल्कुल, और हम घर के लिए निकलेंगे यहाँ से। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मिस्टू क्या लिया तुमने? बस मेरे प्यारे ताऊ ने दिलवाया, बस यही दिलाया। ताऊ जी ने हाँ फोटो खींच रही हूँ, प्यारे ताऊ ने दिलाया है, मेरे प्यारे ताऊ जी ने दिलाया है, ताऊ जी ने दिलाया। चल देखो ऐसे कनिष्का ने क्या लिया? रिंग। मोटी तुमने क्या लिया? लड्डू गोपाल की कपड़े। हम लोग कहीं जाते हैं लड्डू गोपाल जी की शॉपिंग करते हैं। अब बाबू तुमने क्या लिया? तुमने क्या लिया? कुछ नहीं। आ गए हम घर। लीजा बहुत लेकर गर्मी बहुत हो रही है। घर से हम निकल लिए हैं और ये लाल फाटक का अंडरग्राउंड पुल बन गया है। पहली बार ही हम निकल रहे हैं यहाँ से अंदर से, बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ से निकलने में। और आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा और कैसे हुए आप सबके दर्शन मेरे साथ? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और बोलो जय श्री श्याम। बाय बाय।